बेसहारा पशुओं के कारण रोजाना ही सैकड़े हादसे हो रहे हैं। इसमें बेशक कीमती मनुष्य की जान भी जा रही है तो बेसहारा पशु भी जान गंवा रहे हैं। कई बार बेसहारा पशु घायल होकर सड़क पर पड़े पड़े ही तड़पते हुए दम तोड़ रहा है। मनुष्य को बचाने के साथ साथ बेसहारा जानवरों को भी बचाने की जिम्मेवारी समाज की है। जगह जगह गौशालाएं खुल रही हैं और लोग भी इनमें अपना योगदान चंदे आदि के रूप में दे रहे हैं, लेकिन सड़क पर तड़पते हुए जानवर के लिए बहुत कम प्रयास किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में बेशक बेसहारा जानवरों के इलाज को लेकर कई गौशालाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर राज्य पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में केवल एक ही ऐसी गौशाला है जहां पर केवल बेसहारा जानवरों का ही इलाज किया जाता है। इस गौशाला को नाम दिया गया है श्री गोकुल गोधाम एवं चिकित्सालय, जहां पर बीमार जख्मी गांव और हर किस्म के जानवरों का इलाज किया जाता है, जिसमें गंभीर बीमार या गंभीर रूप से घायल पशुओं के लिए अलग से आईसीयू वार्ड बनाया गया है। ठीक होने के बाद गंभीर स्थिति से निकलने के बाद उसको आईसीयू वार्ड से शिफ्ट करके दूसरे जनरल वार्ड में भेजा जाता है और उनको हरा चारा भी हाथों से खिलाया जाता है। जो पशु खाने की स्थिति में ना हो उनको ड्रिप लगाकर इलाज किया जाता है। यह गौशाला पंजाब राजस्थान सीमा पर अबोहर श्रीनगर रोड पर स्थित गांव दौलतपुरा के नजदीक स्थित है। इसकी पहल गांव दौलतपुरा के अमित रिणवा ने की। जानकारी देते हुए गौशाला कमेटी के सदस्य सुखविंदर सिंह ने बताया कि अमित रिणवा घायल पशुओं का इलाज वह घर पर ही करते थे, जिनकी गिनती बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे गिनती बढ़ती गई और वह उनको राजस्थान के नागौर स्थित जख्मी गांव के अस्पताल में ले जाने लगे। पहले महीने एक चक्कर लगता था जो बढ़कर हफ्ते में एक पर आ गया। आसपास के गांवों में भी घायल गायें, बैल बछड़े आदि से इकट्ठे किए जाने लगे। करीब एक चक्कर पर काफी पैसों का खर्चा आने लगा। नागौर स्थित जख्मी गांव के अस्पताल में मौजूद संत ने उनको प्रेरित किया कि ऐसी गौशाला गांव में बनाई जाए जिससे आने जाने का खर्च बच सके। इलाज के लिए डॉक्टर्स का भी प्रबंध है जो इनका इलाज करते हैं। सड़क पर होने के कारण आने जाने वाले वाहन चालक, बस ट्रक वाले, दानी सज्जन भी चंदा दे जाते हैं। कमेटी सदस्यों द्वारा भी सहयोग दिया जाता है। पंजाब पहली गौशाला ही है जो जख्मी पशुओं की है। दूजिया गौशाला तो बहुत है, थां पिंड पिंड खुली खड़ी, पर जख्मी पशु साढ़े अभी 70-70-100 किलोमीटर तो पशु इतने जख्मी लैके आने। सू फोन करता कोई, असी वैन से साड़ी एंबूलेंस हैगी, असी वो जाके लैके आने जख्मी पशुओं को। तुरंत रोड के उत्ते एक्सीडेंट होंगे, अद्धे एक घंटे के असी उत्थे पहुँच जाने, फोन आदि उद ले आईद तुरंत। शुरू के मित्र साढ़े जो गौशाला के प्रधान है, उन्होंने 5-7 पशुओं की सेवा चालू कराया। 5-7 तो वे पिंड के जिन्हें सके सारे जख्मी पशु उन्होंने कट्ठे करे, कट्ठे करके फिर वो नागौर जाते होंगे सी। पहला महीने से एक चक्कर लगता, फिर दूसरे 2 पिंड 3 पिंड पशु जख्मी कट्ठे कर करके चाचा चक्कर लगन लग गए उत्थे नागौर के। उत्थे 60-65 हज़ार रुपया साडा खर्चा किराए का आ जाता है। उत्थों के संतों ने सानू प्रेरित कराया, तुम पिंड क्यों नहीं बनाते, पिंड च बनाओ, इन्ना खर्चा कर दो। उस तो बाद पिंड एक नौरा लैके वो पशु इकट्ठे करके उत्थे इलाज चालू करिया। उत्थे 100-150 पशुओं का इलाज चलता सीगा, अमित रिणवा जी करते सीगे। उस तो बाद फिर असी इकट्ठे होके फिर एक कमेटी बनाई, फिर इस जगह पर आके असी गौशाला जख्मी पशुओं की आईसू जो जख्मी पशु से ज़्यादा, फिर असी एक डॉक्टर रखे इतने, तो डॉक्टर ऑपरेशन करके दवाइया दवाइया इतने देने लग गया। 1-2-3-4 डॉक्टर बधा ले, तो जिमें जिमें काम वधदा गया पूरा यह खर्चा जोड़ा ऑन रोड ऑन करके को गले कोई दानी सज्जन आ जाते है, जोड़े अं मैंबर बनाए है सारे, उन्होंने पैसे ला ला के ये काम चली जाता है। इलाज सारे कोई गधा घोड़ा कोई दरवैद किसी पशु नाल नहीं, मोर तो लैके मोर सिजड़ बत्तख घोड़ा झोटा गां सब सारे पशु, जख्मी पशु कोई भी हो सानू कोई किसी नाल नहीं है भी ये गां है जां ये मझ हैगी। असीं सब की सेवा करते हैं तनो मनो, उन्होंने पूरी पट्ठे पानी सारी सेवा जी हरेक असी एक जहाँ समझ के करते हैं। उन्होंने असी जी नागौर गए थे, नागौर उत्थे संत सेवा करते बड़ी वधिया गौशाला, लोग बड़े रुकते थे ट्रकां ट्रुकों वाले उत्थे आके सानू दसते होंगे। फिर असी वेख के उन्होंने प्रेरणा लैके वो अरे भी
गऊ सेवा करया करो। असी फिर गऊ सेवा करते करते ये कम इस तरह दवाइया दवाइया वाला सारा कम चल पिया वधिया। लोग सानू संजोग देने लग गए, दूरों दूरों आउंदे हैगे, रुकदे आ साडे कोले। सारा गऊ सेवा करके साडे जिहड़े मन नूं खुशी मिलदी है, जख्मां ते दवाई लगदी है जो ठीक हुंदे है, तंदरुस्त हो जांदे आ लोक, वाह वाही करदे है ते सानू हौसला मिलदा। असीं अगां फिर होर एक शैड तो दो शैड तीन शैड वधाई जांदे आ। हुण साडा इत्थे हॉस्पिटल बनाउण दा इरादा हैगा, कोई पैसे चार किधर आ जाण, कोई गवर्नमेंट सहयोग देवे। दानी सदर सिंह का असं इतने हूँ हॉस्पिटल जरा ऑपरेशन थिएटर बनाने की न्यों पर रखी है, उत्तर न्यों पर रखी है, बस बिल्डिंग छेती चालू कर रहे हैं। कमेटी सदस्य नरेंद्र रिड़वा ने बताया कि उनके तक घायल पशु जो किसी सड़क हादसे से घायल हुआ हो या फिर जानवरों की आपसी लड़ाई के दौरान घायल या बीमार हो उसके बारे में गाँव के लोग उनको सूचना उनके द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर देते हैं। गांवों में जगह जगह पर यह हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए हैं। सूचना मिलते ही उनकी टीम बताए पते पर पहुंचकर पशु को यहां लेकर आती है और यहां तुरंत उनका इलाज शुरू हो जाता है। जी गौशाला बनाई है उदों दा हेल्पलाइन नंबर बनाया एक उन ओ सारेयां नूं दित्ता है, पोस्टर ते लाया है, बाजार विच सारे पासे लाए है। ओ जदों भी फोन करदे है साडी एंबुलेंस जांदी है, एक एंबुलेंस एक टेंपू है, एक असीं होर किराए वाली गड्डी रखी है। वो जाके असं जो भी फोन आता उदों जाके पशु चक्के लियांदे आ। आसे पासे दी गऊशाला तो भी फोन आउंदे, गऊशाला दे पशु भी आउंदे आप लेके, वो बीमार छड़ जांदे आ ते ठीक पशु उन्हां कोल असीं भेजदे आ। 5 तों 10 ताईं पशु डेली आ जांदे आ ते बाहर भी जिवें बाहर दी गऊशाला तों आउंदे उहनां नूं असीं नाल दी नाल ही इक दे पछी दिले दो पशु गऊशाला तों भेजदे आ। असीं आवारा पशु कोई नहीं छड्डदे इत्थों जिहड़ा आ गया ठीक हो के, ते जिहड़ा इलाज वाला है वो असीं इलाज करदे ही हाँ, ते बाकी आसे पासे जो भेजदे आ जी गऊशालियां 'च 10 पशु आराम नाल 5 तों 10 पशु तक फोन आ जांदे है। गऊशाला तों भी आ जांदे है, गऊशाला वाले छड्डे हुण बीमार छड्ड जांदे है, दूजे पशु ले जांदे है। असीं तां जी इही संदेश देना चाहवां वी बेजुबान जानवर है बेचारा, थां थां तड़फदा है, ना इहनूं बाहर पैन ना पानी मिले, ना चारा मिले, ना दवाई मिले। वी आपां जान तां नहीं पा सकदे पर इहदे आपां दर्द तां कम कर सकदे हां, इहदा दर्द दूर करन दी असीं कोशिश करदे हां जी। इहनां नूं लोकां नूं इह संदेश है वी ज़्यादा तों ज़्यादा मदद करो, जिथे वी कोई बेजान पशु है, आवारा पशु है, जो बेजा बेजबान है, जिहड़ा बेजबान बोल नहीं सकता बेचारा, वो भी उनकी घट्टो घट दर्द है वह तो कट कट करिए। आप यही संदेश है, कोई दानी सदन है, कोई सेवा नहीं कर सकता, वो पैसे नाल कर सकता है, कोई हरी चारे की कर सकता है, कोई दवाइया की कर सकता है। असं नहीं कहते सानू नगद पैसे दो, असं कहते दवाई दो, कोई हरा चारा वो दो, बस यही संदेश देना चाहते हैं। अपनी किस्म की यह बेहतरीन और पंजाब की एकमात्र गौशाला केवल एक व्यक्ति की पहल थी, लेकिन आज इसके साथ जुड़कर कितनों को ही रोजगार मिला हुआ है। तो हजारों की गिनती में बेजुबान बेसहारा पशुओं का दर्द कम होने के साथ साथ उनका आश्रय भी मिलता है। अगर सरकार ऐसी सोच रखने वालों की मदद करे तो अपनी पीड़ा को बयान नहीं करने वाले और सड़कों पर तड़पते हुए अपनी जान देने वाले के दर्द को कम जरूर किया जा सकता है।